हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सभी का न्यान की नोचक परी छोटी सी दुनिया में। तो गाइस, आप लोग हम लोग की लाइफ देख रहे हो यहाँ पर, जब से हम लोग आए हुए हैं बस हम लोग भागम दौड़ वाली लाइफ जी रहे हैं, घर में टिका ही नहीं रह रहे हम लोग। इसके लिए हम लोग खार घर में रहते हैं, बिकॉज वहाँ से हम लोग घर से बाहर बहुत कम निकलते हैं और बहुत कम काम रहते हैं हमको। सेकेंडली, आज अम्मी की बर्थडे है 12 बजे, तो उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करते हैं और इसी के लिए हम लोग बाहर निकले हैं, तो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊँगी। फाइनली हम लोग आ चुके हैं फिर से फैब्रिक की दुकान पर, बिकॉज हम लोगों ने सोचे कि अभी कुछ सैड चीज़ें हुई है घर पर, जिसकी वजह से शायद से अम्मी बर्थडे नहीं मनाना चाहते हैं और हम लोग भी नहीं चाहते वो चीज़ का कुछ यू नो हम हाँ बड़ा कुछ करें। हम लोग भी एहतराम करना चाहते हैं, जिसके लिए हम लोग सोच रहे कि अम्मी के लिए मैं खुद से आउटफिट बनाऊंगी फिर से। और एक चीज़ मैं मम्मी के लिए बनाने वाली हूँ, वो मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। पहले आउटफिट का कलर और उसकी लेस वर्क क्या करने वाले वो सब डिसाइड कर लेते हैं। सुफियान, तुमको कुछ समझ में आ रहा है? तुम्हारे को अच्छा मिल गया, किसी के भी बर्थडे वड्डे कुछ खुद का आवाज़ चिपका दो तो खराब हो। तो ऐसा ही होता है, इंसान अपने ब्रांड की चीजें ही देता है गिफ्ट में, है ना? सही बात, कोई दूसरी चीज को क्यों प्रमोट करूं मैं? अच्छा कवर किया कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या सोच रही हूँ ना, ये वाले में लू भाई, ये वाला कलर लेंगे क्या सूफी? ग्रीन ये वाला नहीं अच्छा लगेगा, नहीं तो मम्मी लोग के लाइक का नहीं लगेगा। मम्मी लोगों को थोड़ा डार्क, थोड़ा मम्मी सटल। मम्मी को क्यों देना है कि मम्मी को थोड़ा अच्छा मॉडर्न फील करवाना है, पहनना भी तो चाहिए ना मॉडर्न फील करने के लिए। आउटफिट का कलर सिलेक्ट हो चुका है, फैब्रिक हम लोग ने ले लिए है, बस अभी लेस देना बाकी है। इतना टाइम हो गया हम लोग को, ये एक्चुअली सुफियान की वजह से हुआ है, क्योंकि सुफियान को 1 बजे उठाओ, मतलब 1 बजे से अगर उठाना शुरू करो तो वो 6 बजे जाके उठता ही आदमी। अगर बाप बता, तुम कितना भी बुरा बोलने की कोशिश कर लो, मेरे को सब्सक्राइबर तुमको ही बुरा बोलेंगे मैं सब बोल बोल के लोग मेरे को बुरा बोलने लगे, समझे ना? तुम भी तो बराबर हो, तुम भी तो रोज बोलते हो ना कि इतना लेट है, इसकी वजह से लेट होता है, ये होता है, लेकिन मेरे को कोई कुछ नहीं बोलता। मैं एक ही चीज पर बिलीव करती हूँ कि मेरा खुदा बहुत बड़ा है और अल्लाह कभी ना कभी लोग जो मेरे बारे में बुरा बोल रहे और सोच रहे ना, वो सेम खुदा मेरा भी है। हाँ, उनके सामने सच्चाई आ जाएगी। जरूरी नहीं कि मैं तुम्हारे को गलत प्रूफ करके मैं सही साबित होना चाहती हूँ। मैं ऐसा हूँ कि मैं तो मस्ती में बोल रही हूँ कि तुम्हारी वजह से मिल गया, हुआ है एक्चुअली में, बट गलत गलत कोई दूसरी जो चीज़ों में मुझे लोग जो गलत समझ रहे हैं वो अल्लाह दिखाएंगे। अल्लाह मेरे बहुत बड़े बादशाह हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जो हम लोग ने सोचे थे उससे भी बेहतर चीज़ होती है। बोलते हैं ना, हमेशा सब्र, सब्र का फल मीठा होता है, और वो मेरे साथ हुआ है गाइस। तो मुझे इतना अच्छा लेस मिला है कि मैं उसको एज अ लेस नहीं, एज अ पैच यूज़ करने वाली हूँ। आई एम सो एक्साइटेड। तो मैंने सारा सामान ले चुके हैं और वो वर्कशॉप पे लेके चले गए हमारे डिज़ाइनर। और हम लोग गाइस सोच रहे हैं कि आइजल का जो गाड़ी थी जो हम लोग ने वापस रिटर्न करवा दिए, जो पैसे आए हैं वो हम लोग रख के क्या करेंगे, क्योंकि उसका गिफ्ट का और उसके हक का पैसा था, तो वो उसी में एड ऑन करके और पैसे हम लोग सोचे कि आइजल के लिए गोल्ड ले लें। क्या बोलते हो? गोल्ड सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, और लड़की है तो गोल्ड तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। जितना हो सके बचपन से चालू कर देने का, जमा करने के लिए लड़की के लिए, उसके दहेज में काम आता है। गाइस, इसने मुझे ज्वेलरी की दुकान में बाहर होकर बोला चप्पल उतारने की है, अब मालूम पड़ा कि चप्पल पहन सकते हैं। हर किसी की दुकान का उसूल रहता है ना। हाँ, मैंने देखी इसके लिए, मैंने सी सब ऑप्शन देख रहे हम लोग यहाँ पर। निदा, पसंद आ रहे कुछ? तो गाइस, हम लोग ले चुके हैं गोल्ड। चलो चलते हैं, अभी कहाँ जाना है वैसे? अभी अपन चलते हैं मम्मी का आउटफिट, और फिर मम्मी के लिए तो एक और सरप्राइज है ना। यस, तो वो बनाने के लिए मुझे टाइम चाहिए। हाँ, तो तुमको छोड़ देता हूँ मैं फिर। हाँ चलो, घर पे और फिर मैं जाके मम्मी का आउटफिट बनवाता हूँ। आउटफिट तुम बैठ के बनाओगे, तुम मेरी हेल्प करने चलो। मैं तुम्हारे घर पे? हाँ, क्या करने तुम्हारे घर पे आऊँ? हेल्प करने मेरी। चलो ठीक, बहुत काम है उसके लिए। मेरी हेल्प के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। देखो, मियाँ बीवी एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है। बीवी मियाँ के बिना कुछ नहीं है। बैठो। क्या बोले? कुछ भी नहीं। बैठो। क्या बोले? क्यों बोले? तो गाइज, हम लोग आ चुके हैं हमारे वर्कशॉप पर, और यहाँ पर सुफियान सिर्फ नाटक के लिए लेस निकाल के दिखा रहा है। कब से ये बैठा हुआ है, कुछ काम नहीं कर रहा। मैं यहाँ पर आगे सबको पूछ रही हूँ क्या है हिसाब किताब, ये सिर्फ बैठे हुए। तो अभी निदा ने क्या डिसाइड की है कि ये कलर का कपड़ा है, yes. का बटरफ्लाई बना रही है, yes. इसके ऊपर ये लेस है जो कि डायरेक्ट लगती है, पर हम लोग इसमें कुछ चेंज कर रहे हैं। हम लोग चेंज ये कर रहे हैं कि ये जो बीच का है वो काट के सबको बटरफ्लाई को अलग अलग कर देंगे। बटरफ्लाई को अलग अलग करके स्केटल, क्या बोलते हैं, स्केटल
स्केटल कर देंगे पूरे अबाया पे, ऐसा लगेगा कि बटरफ्लाई सब भरी 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 भरी, मतलब बटरफ्लाई अबाया पे बटरफ्लाई बटरफ्लाई, ये डबल कॉम्बिनेशन क्रैक नहीं कर पाता इसको, और ये समथिंग न्यू रहेगा। तो लेट्स सी अभी कैसा पसंद आता है नहीं आता है और कैसा बन के आएगा, आउटकम क्या रहेगा इसका, और इसके ऑर्डर भी लेंगे हम लोग। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बट अभी हम लोग चलते हैं फटाफट से घर पर, बिकॉज और भी बहुत काम है गाइस। मैंने बोली थी ना एक और एक सरप्राइज है, तो उसकी तैयारी करनी है, जल्दी जल्दी निकलो। कुछ चाहिए तुम्हारे को? तुम बोले कि सरप्राइज है, सरप्राइज बोल के तुम वो किराने की दुकान पे लेकर आ गए। मुझे बनाना है कुछ। क्या बना रहे हो? बस अब तुम देखते रहो। तो क्या क्या पसंद आया था, तुम भी खाए थे? तो क्या क्या लिए हो तुमने पहले वो बताओ मेरे को। मैंने अभी चने की दाल आधा किलो ले ली हूँ, आधा किलो मैंने गुड़ ले ली हूँ, एक किलो मैदे का आटा लेना है और इलायची पाउडर चाहिए। मतलब इसका मतलब तुम कुछ बना रहे हो? यस। और वो मेरे को लग रहा है कि पूरन पोली है। क्योंकि गुड़ लिए तुमने तो गुड़ से पूरन पोली बनती है। उस दिन अम्मी ने मेरे को बोले थे कि तुम लोग पूरन पोली खा रहे थे, मेरा तो बहुत फेवरेट है, मेरे लिए क्यों नहीं लाई है वो। तो मैंने बोली कि क्यों ना आज मैं अपने हाथों से बना दूं। सही है। अबे ये ऐसी पागल औरत है, इसको कोई काम ढंग का आता नहीं। एक तो फटाक से खाने बैठ गए, तुम्हारे को बोले थे तुअर की चने की दाल, तुमने तुअर की लेकर आ गए। स्विगी कर दो ना। स्विगी कर दो ना क्या होता है, अभी नीचे भगाई क्यों इतना फिर तुमने मेरे को? जबरदस्ती का भगवा है। हाँ नहीं तो खा भी रही है, देखो फिर नजर लगेगी, फिर बोलेगी नजर लग गई। यहाँ पर निदा ने दाल निकाल दी है कुकर में, और मेरी मम्मी ने पता नहीं इतना बड़ा नल क्यों लगाया। निकाल दो। बोल बोल के थक गई हूँ मैं, क्या बोलूँ अभी। निदा चलो, कितना टाइम निदा, अभी तक तो साला मैं दाल चावल मुर्गी का सालन बना के खा लेके निकल भी गया होता था। तो ये दाल चावल नहीं है ना, पूरन पोली। तो थोड़ा फास्ट फास्ट बनाओ। गैस पे मैं बैठ जाऊँ? हाँ जैसे तुम्हारा सर गैस पे रहता ही तो है। इस माशाल्लाह से हमारी प्रिय पत्नी यहाँ पे आटा गूंद रही है, जो कि इसको शादी के बाद गूंदना चाहिए था, बट ये शादी के 2 साल बाद। मेरे को तो गूंद रही, वो बात अलग है, बट आटा यहाँ पे गूंद रही है अपनी सासू माँ के लिए। क्या बात है, माशाल्लाह ऐसी बहू किसी को ना, मतलब सबको मिले। मतलब मैं कुछ करती रही तो मैं ना सबको बता बता के आज मैं अम्मी से कन्फ्रंट करवाऊंगी कि मैं क्या बुरी बहू हूँ। मेरे तुम्हारे मुँह पे बोलेंगे तुम्हारे हाथ की तकलीफ में देखी नहीं जा रही है। हाँ पक्का क्यों बोल रहा, क्योंकि शक्ल देखो नहीं, अभी तुम हाथ धरा देगा फिर तुमको बोलोगे हाथ दबाओ, उससे बेटर है डायरेक्ट जो हाथ दबाने वाला काम है वही कर लूँ ना मैं, तो थोड़ा बहुत मेरा भी पार्टिसिपेशन हो जाएगा इसके अंदर, वरना रात में हाथ दबाओ दिखने में नहीं आएगा, दिखने में आएगा, इसके लिए बोल रहा हूँ। आटा गुनने के बाद गाइस यहाँ पे गुड़ की कटिंग हो रही है। ओ गुड़ की कटिंग करो बराबर, समझे? नहीं तुम खाओ, गुड़ मीठा रहता मेरे को मालूम है। खाली धरती का बोझ बन के एक जगह बैठ गई है और सब बैठे बैठे इसको खाने को चाहिए। पहले दाल चावल खाई, अभी ये रियल जूस को फ्रिज में जो कड़क हो गया था उसको कैंडी फ्लॉस बना के खा रही थी। हद कर देने था तुमने यार। तो माशाल्लाह से यहाँ पे पूरन पोली का जो सिलसिला है वो कहाँ तक पहुँचा है निदा? सिलसिला अभी पहुँचा है दाल और गुड़ तक का। तो अभी क्या बचा है? सिर्फ अभी घी डालने के बारी है, फिर घी डाल के इसको हम लोग थोड़ा सा और को पकाएंगे। और गाइस यहाँ पे निदा की पूरन पोली की मेकिंग शुरू हो चुकी है। तुमने पूरा वो जो बैटर था इसके अंदर डाल दिया पराठे के अंदर, आटे के अंदर, उसको गूंद दिए। यस गूंदी नहीं पागल, गूंद क्या मतलब तुमने पराठा कैसे बनाते हैं? हाँ लेकिन ये तो पूरन पोली है ना, तो मतलब पूरी हुई ना, तो तुमने पराठन पोली बना दी। मम्मी को पराठा खाने का, तो मम्मी लोग के लिए पहले पराठा बना लूंगी, फिर मैं गरम गरम पूड़िया बनाऊंगी ताकि मैं गरम गरम ले जा सकूं। अच्छा। पहले पूरी बना लूंगी तो ठंडी हो जाएगी। हाँ वो भी सही बात है। चलो डंडा डंडा, पूरन पोली यहाँ पर बन के आ चुकी है और इन लोगों ने खाना भी शुरू कर दिया। और कैसा लगा आंटी पूरन पोली? नंबर बनाया हुआ है, अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों बाद मैं खा रही हूँ पूरन पूरी, पहले अंधेरी में खाती थी निदा के स्कूल में टिफिन में देती थी ना, तो मैं खाती थी। माशाल्लाह चलो मुबारक हो निदा, तुम्हारा अच्छा बन गया है फिलहाल। मेरे से ही जल रही। कैसे जल गया? थोड़ा सा तुमको चिल्लाने में जल। तो तुम ही जल्दी जला हुआ, तुम ही खाना हो। हाँ मैं खा रहा हूँ। हाँ। और क्या कितने बचे बनाने के? अभी देखो कितने बने, चेक करो जरा। हाथ चलाओ, पूरा दिन बैठ के टीवी नहीं देखना होता है। हाँ नहीं तो थोड़ा तुम भी मेहनत करो। लोग शादी क्यों करते बताओ? मेहनत करने के लिए करते हैं, दूसरे करते मेहनत। हाँ चलो फटाफट पकाओ जल्दी। अरे माँ, तो गाइस इसने इतना टाइम लगा दिया है कि ऑलमोस्ट अभी 12 बजने वाले हैं और अभी तक इसका पूरा नहीं हुआ। नहीं था क्या कर रहे हो तुम, आउटफिट भी नहीं आया अभी तक। मैं कितने बनाई हूँ यहाँ पे देखो, तुम्हारे घर
फ्रंट पूरी बनाई हूं। तुम तो बोले 5 बना रही हूँ, 8 बनाई। क्यों इतनी ज्यादा बना दी घर पे? थोड़ी दो हिसाब में ऐसा बोल सकते। घर वाला कभी पूरन पूरी खाए नहीं है, अब अभी सैंपल के लिए बना दी। आज का तो नहीं खाए ना? वो बात भी सही है। तो चलो फटाफट यार निदा, बैठ जाओ गैस पे, बैठ जाओ। ये जली भी तुमने इसके अंदर डाल दी है? नहीं, अली की है। तो थोड़ी जल गई यार मुझसे। अभी डब्बे नहीं होता, जली नहीं है वो, जलने को थोड़ी ऐसा बोलते थे, उसको अच्छे से सेक ही हूं मैंने पागल। तो गाइस आखिरकार हम लोगों का जो पूरन पोली है वो रेडी हो चुका है, हमारा आउटफिट भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, और एक और एक सरप्राइज है गाइस आइजल के लिए, वो भी हम लोग ले चुके हैं। तो निदा घर जाके अगर पोपट हुआ किसी को अच्छा नहीं लगा तो फिर तुम सोच लेना, मम्मी लोग को अच्छा लगा ना बेबी? हाँ, नहीं अच्छा लगेगा तो फिर क्या, वो लोग हाँ बोलेंगे फिर भी। फाइनली पीस रेडी हो चुका है और हम लोग भी यहाँ पर रेडी हो चुके हैं जाने के लिए, जल्दी जल्दी इसको पैक। 12:30 हो गए बेटा। हाँ तुम्हारे 12 बजाने तो मैं इस्त्री करूँ अभी? तुम तो मेरे को ऐसा बोले कि जानबूझ के मैं कर रही हूँ। तुम्हारे हर काम में लेट होता है, हर एक्सक्यूज मी लेट उठा कौन, हर एक काम में लेट उठा कौन? मैं भी तुम्हारे साथ हूँ ना। अच्छा, मैं सुबह 1 बजे से 1:30 बजे से उठ के बैठी हूँ, तुम उठे हो 6 बजे, इसमें गलती किसकी है? सही बात है, मेरी गलती। हाँ, now accepted। तुमसे वो जीत सकता है क्या? नहीं जीत सकता। पत्थर पे सर मारना मतलब पता। हम लोग पहुंच चुके हैं, घंटी की आवाज तो आई मेरे को, नहीं होते तो नीचे बाइक नहीं रहती ना। आए आए आए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक आपको, हैप्पी बर्थडे टू यू। जोहान को नहीं लाया क्योंकि हम लोग कुछ काम से आए। और इधर आ जाओ फटाफट, बोले कैमरा चालू है, अब तुम्हारे को पचका करूंगी। फटाक से हक करना थी बड़ा बच्चा ना बाबू। इस दिन की दिन बार बार आए, 100 साल जिए मम्मी, इंशाल्लाह लग जाए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आमीन आमीन। बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे टू यू, आपके लिए कुछ स्पेशल है। यस चलो अंदर बताते हैं। हम लोग मम्मी का केक नहीं काटेंगे ना कोई बड़ा सेलिब्रेशन करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली गाइस मम्मी की बहन का इंतकाल हुआ है और मम्मी का भी मूड नहीं है, शक्ल से दिख रहा है, बट बच्चे होने के नाते हमारा भी कुछ फर्ज होता है कि हम लोग कुछ तो मूड लाइट करें। हाँ तो सबसे पहले एकदम अच्छा वाला मूड लाइट करना है कि अच्छा वाला मूड लाइट करना है, मतलब बहुत अच्छा मूड लाइट करना है कि अच्छा मूड लाइट करना है? हाँ बीच का नहीं है। Yes, ये तुम्हारा बहुत अच्छा गिफ्ट है। हाँ मन को शांति मिलेगी। हाँ तो ऐसा क्या बताओ, चलो मन को शांति किससे मिलेगी? कुछ ठंडा खाने। नहीं ठंडा ही नहीं, मतलब सबको सबकी मन की शांति होगी। पूरन पोली और स्पेशली निदा ने बनाई अपने हाथों से, पूरी मेहनत कर करके। खाओ खाओ, पहले खा के बताओ कैसा बना है। नहीं नहीं मीठ इसको भी जीवो में सबके लिए, इसको भी तो नौशीन को भी, गरीबों की तरह मुंह देख रही है। हाँ मैं भी नहीं खाया था कभी, मेरे को भी नहीं आती बनाना, मम्मी ने कभी खिलाया नहीं। अच्छा बनती नहीं जल्दी किसी के हाथ से। निदा ने बनाई प्रॉपर एकदम मस्त है ना। केक नहीं काटे हमने, पूरन पूरी काटे। थैंक यू वेरी मच, यू आर वेलकम, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे मैं बच्चा तौला नहीं रहा अभी। तुम डेवले हो गए हो, जन्मदिन खा ले। तो मुझे इतना ब्लॉग में कैसा खा रहा था तब भी देख के मम्मी बोले, बस यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा सिलसिला, बस आयजल ने सही जगह पे हाथ डाली उसको। और हर बार की तरह हमारा तकिया कलाम मॉडेस्टी बनीदा खान। इतने सारे अम्मी जरा बुरखे का तो बोल रहे, तुम्हारे पास ऑलरेडी 3-4 बुरखे है, तुम एक भी नहीं पहनते हो। हाँ बस लाल कलर ना, अब देख देखो देखो। हाँ मैंने कल 4 लेके आया, नहीं बोल काट दू। अरे माँ कल कितना झूठ बोल दिया बात। पूछो मैंने इसको क्या बोला, मैं बोला लाल कलर का ही खरीद, मम्मी को लाल ही पहनना पसंद है और अब तुम ये नहीं पहने। सेम कलर का दिलाया हूँ, मेरा यही कलर ले मेरा निदा को, मैं बोला
और आज ही हम लोगों ने डिजाइन किए, आज ही हम लोगों ने मैन्युफैक्चर किए और आज ही लेकर आए। खोल के दिखा, मैं खोल के दिखाओ ना, पहन के दिखा, खोल के दिखा। हां जाओ पहन के आओ, अभी पहन के आओ, जाओ पहन के आओ। रेडी फॉर 3 2 1। ओहो हो हो, माशाल्लाह। अरे अरे अरे, जवानी सूझ रही है बुड्ढे अंकल को, देखो। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं बहुत खूबसूरत दिख रहा है यार, बताओ। ओहो हो, शादी करने की होगी। हाँ चलो, तुम्हारे अरमान पूरे हो गए। लेकिन सही में अच्छा लग रहा है अभी आप यार, हमें हाथ ऊपर करो। अरे स्केयर को दिख रहे एकदम, किसी खेत में खड़ा कर दो, कबूतर नहीं आएंगे। तितली उड़ जाएगी, तितली उड़ी, तितली उड़ी, उड़ ना सकी, छत पे चढ़ी, सीट ना मिली। मस्त लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक और एक गिफ्ट है कॉम्प्लीमेंट। क्या, किसका गिफ्ट है? किसी का गिफ्ट? हाँ तो वो भी दे दो, मम्मी का तो हो गया ना। मम्मी पहने रखो ना, अभी क्या है, बैठियो पहन गई तुम्हारा ही। अरे खराब होगा, धो देना फिर से, और क्या, लॉन्ड्री हो जाएगी उसमें, फिर फाड़ दो, नया बन जाएगा। हाँ और रस्सी तुम्हारे पेट की है, इधर आओ। अरे तितली उड़ी, उड़ ना सकी, तितली उड़ी, उड़ ना सकी, छत पे चढ़ी। हाँ निकाल के दो, सब मेरे से सीखी हो, समझे? हाँ सबसे अच्छी चीज मैं ही सिखाया, जिससे इंसान को सुकून मिले दिल को। बर्थडे, अरे फटाक से ले ली, नौशी तेरे पे गई एकदम, फटाक से ले ली। देखा देखा, फड़फड़ा गए अब्बा, अब्बा एकदम फड़फड़ा, देख के अब्बा के मुंह में एकदम पानी आ गया। जा जा जल्दी, जाओ जल्दी, जाओ जल्दी जल्दी। मस्त है ना, सब निदा की चॉइस है भाई, निदा ने पसंद की। मैं तो उसको बोला था दूसरा वाला ले, लेकिन इसने अच्छा लगा ये। अचानक क्यों, उसकी बर्थडे का था ना गिफ्ट, हाँ उसी के एक्सचेंज में। हाँ नहीं अच्छा ना, उसके लिए तो है, ये दोनों बाप बेटी, दोनों बाप बेटी लालची है। और तुम्हारी की जुबान कबूल हो गई, कुछ और मांग लेते तो वो भी मिल जाता था। बताओ आइजू का गिफ्ट है ये तो, वाओ है ना, माशाल्लाह पैदा हुई सबसे सोने से खेल। हाँ लड़की है ना इसके लिए, लड़की को बरकत लाती बेटा, सोने में मतलब रोजी में, हाँ वो भी सकता है, भरोसा नहीं। ये हम लोग की भी तो बेटी है ना वो। लेकिन एक बात सच्ची मान देता हूँ, ये सुफियान जो है ना उसको बहुत चाहता है, मैं उसको देखा हूँ, मैं पहले बोलता हूँ हमेशा, सुफियान की आइडिया किसने दिया? नहीं उसके लिए नहीं बोल रहे, उसके लिए नहीं, गिफ्ट के लिए नहीं बोल रहे। अच्छा जब भी वो आता है ना तो पहले इसको पकड़ते हैं। नहीं फातिमा नहीं, नहीं तो फोर्टी डेज, फोर्टी डेज के पास चिपके रहता था, गिफ्ट से सब कुछ नहीं होता है, समझी ना, गिफ्ट से सब कुछ नहीं होता है, मोहब्बत। एक दिन सोने का भाव गिर जाएगा लेकिन प्यार का भाव कभी नहीं गिरेगा, समझी। जब तू हिस्सा मांगने आएगी ना तेरे मुंह पे हिस्सा फटका दूँ। वो है दोनों वाइजल के लिए, बारबी डॉल वाला। क्या बोले वो, बोलो। हाँ बोला ना, मैं उसके माँ बाप खरीदेंगे और मैं उसको खिलाऊंगा उसके अंदर। मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ,
बहुत ज़्यादा नींद आ रही है आपको, वो भी सर्दी बढ़ गई है, तो मैं भी आपको इसी के साथ में एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, मम्मी करके अब आया तुरंत को भी कैंसिल कर दी। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वैस प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। Thank you.